ऑलराइट गाइस, गॉडज़िला सिटी ऑन द एज ऑफ बैटल 2018 में आई थी। ये गॉडज़िला सीरीज की गॉडज़िला प्लैनेट ऑफ द मॉन्स्टर की सिक्वल थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गॉडज़िला प्लैनेट ऑफ द मॉन्स्टर के बाद क्या हुआ, क्या हेरो और उसकी टीम गॉडज़िला अर्थ को डिफीट करने में कामयाब हुई। तो ये जानते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। कहानी शुरू होती है प्लैनेट ऑफ द मॉन्स्टर्स के बाद से। हेराट्रम पर डिबेट चल रहा है कि अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए, और ये मैटर को सेटल डाउन करते हैं कि ये 48 घंटों तक अर्थ पर अपने लोगों को ढूंढने का प्रयास करेंगे ताकि उनमें से कोई सर्वाइवर शायद इन्हें मिल जाए। उसके बाद में ये अर्थ को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। वहीं अर्थ पर हारुओ सकाकी को होश आता है और वो देखता है कि वो अर्थ पर एक सेफ जगह पर है। वो अपनी बिलोंगिंग्स को वापस उठा लेता है और इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की वहां आ रही थी, लेकिन उसे जगा हुआ देखकर वहां से भाग जाती है। वो उसका पीछा करता है और थोड़े टाइम बाद ये आपस में मिल जाते हैं। हारुओ उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की उसकी भाषा समझ नहीं पाती और वहां से फिर भाग जाती है। हारुओ उसे फॉलो करता है। यहां पर दूसरे ग्रुप पर अटैक हो रहा है और इनका कांटेक्ट हारुओ से हो जाता है और हारुओ अपने ग्रुप को वापस ढूंढ लेता है जो कि गॉडज़िला के हमले के बाद में सरवाइव कर गए। और इन सभी लोगों को वापस उसी जगह पर ले आया जाता है जहां पर बाकी सभी लोग हैं। ये ग्रुप केव्स में एंटर करता है जहां पर ट्राइब रहा करते हैं, और ये लोग अपने बाकी साथियों से भी यहां पर मिल जाते हैं और सभी लोग अब फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। हारुओ मैटफीस के बारे में पूछता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं बता पाता। और ये लोग डिस्कस भी करते हैं कि यहाँ के लोगों ने इनको पकड़ के रखा है तो जरूर इनका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। के बाद में इन लोगों को एक टेंपल पर ले जाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों लड़कियां मिलकर इनसे टेलीपैथिक कन्वर्सेशन करती है और इन लोगों को बताया जाता है कि इनकी ट्राइब का नाम अतुआ है। और ये इनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर हमारा घर डिस्ट्रॉय करने क्यों आए, और वो रिस्पॉन्स करता है कि वो यहाँ पर गॉडज़िला को मारने आए हैं। ये ट्विंस कहती है कि गॉडज़िला को डिफीट नहीं किया जा सकता, गॉडज़िला ने इवन इनके भगवानों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और सिर्फ यहाँ पर एक एग है जो बचा हुआ है। और वो कहता है कि ये सब सच नहीं है, गॉडज़िला को डिफीट किया जा सकता है। और वो अपने वेपन्स लोगों से मांगता है। हतुआ के एल्डर्स इन्हें वेपन वापस देने के लिए राजी हो जाते हैं। मार्को हेरू से पूछता है कि क्या वो फिर से गॉडज़िला से लड़ना चाहता है। हेरू आंसर देता है कि हाँ। मार्को ये सुनकर अपना पेशेंट लूज कर देता है और हेरू से कहता है कि उसने पहले ही टीम को लीड करके गॉडज़िला के हाथों कितनी सारी डेथ्स कराई। बेलू भी यहाँ पे हेरू को डिफेंड करता है और ये कहता है कि उनका जो भी प्लान था उस प्लान से वो एक गॉडज़िला को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुए और वो उसी प्लान को फिर से रिपीट कर सकते हैं और इस लार्जर गॉडज़िला को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये अतुआ विलेज से बाहर निकल आते हैं। ये ट्विंस भी अपने आप को इन लोगों से इंट्रोड्यूस करती है और ये अपना नाम मियेना और मायना बताती हैं। हारुओ मियेना को रिकॉग्नाइज कर देता है क्योंकि उसी ने उसको रेस्क्यू किया था और जान बचाई थी। युको इन ट्विंस से इरिटेट हो रही है और यहाँ पर लैंडिंग शिप का सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही है, और वो वहां से हटकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है कि वो एक मार्श को क्रॉस कर देती है और उस जगह से कुछ टेंटिकल्स निकलकर युको को पकड़ लेते हैं और उसे ग्राउंड के अंदर ट्रैप कर देते हैं। युको मदद के लिए चिल्लाती है, हारुओ और बाकी लोग मदद के लिए भागते हैं। मियेना और मायना भी अपने तीरों से इन टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। गैलागू इन एरो को छूने की कोशिश करता है, लेकिन मैना पुल बैक करके उसे वार्निंग देती है कि ये पॉइजन है। अचानक से यहाँ पर एक मल्टीपोडल बैटरी से फायर होता है और मैटफीज वहाँ आ जाता है जो फायर करके इन सभी क्रिएचर्स को वहाँ से भगा देता है। सभी लोग असेंबल होकर लैंडिंग शिप के पास में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये एरेट्रॉम से कॉन्टेक्ट करते हैं और इन्हें पता चलता है कि सेंट्रल कमेटी अर्थ से जाने की तैयारी में है। कोलुगु और बेला भी हारुओ को कहते हैं कि ने गॉडज़िला को मारने का रास्ता पता है और वो बताते हैं कि ये रास्ता हतुआ में ही छुपा हुआ है। कोलुगु बताता है कि उसने लड़कियों के पास मौजूद एरो का एड देखा जो नैनोमेटल से बना हुआ है, और ये वही नैनोमेटल है जो 20,000 साल पहले गॉडज़िला को बनाने में यूज हुआ था। और ये कहते हैं कि इन लोगों को नैनोमेटल
कहीं ना कहीं से तो मिला होगा, बस इन्हें उस जगह को खोजना है। और ये नैनो मेटल का यूज करके वो ऐसे वेपन्स बना सकते हैं जिससे गॉडज़िला को मारा जा सकता है। और हेरू भी प्लान से एग्री करता है, वो सभी ट्रूप्स को एड्रेस करता है और कहता है कि वो अपना मिशन कंटिन्यू रखेंगे और अर्थ को गॉडज़िला से फिर से रिक्लेम करेंगे। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि किसी को भी यहाँ पर जबरदस्ती रुकने की जरूरत नहीं है, जो भी वापस शिप पर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ब्लू सलूडो वहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, यूको भी यहाँ रुकती है, एडम और बहुत सारे सोल्जर्स भी यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाकी लोग लैंडिंग शिप से वापस हेराट्रम पर चले जाते हैं। हेराट्रम जैसे ही शिप पर अराइव करता है, उस शिप से सिर्फ 3 सोल्जर्स बाहर निकलते हैं, जिससे शिप के कमांडर्स को पता चल जाता है कि ताकाकी फिर से गॉडज़िला से लड़ने वाला है। अर्थ पे मियाना और मायना सोल्जर्स को नैनो मेटल वाली लोकेशन पर लेकर आते हैं, जो कि मेका गॉडज़िला फैसिलिटी की साइट होती है। मार्टिन और वो उसे कहता है कि फतुआ विलेज के लोगों के स्किन पर लगे पाउडर की रिसर्च की और उसने पाया कि हथुआ का डीएनए फैक्ट से बना हुआ है। वो ये भी बताता है कि हथुआ के लोगों के अंदर मॉन्स्टर फैक्टर है सर्वाइव और प्लैनेट के न्यू एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने का। और वो ये बिलीव करता है कि प्लैनेट ने गॉडज़िला को लॉर्ड ऑफ द क्रिएशन मानकर गॉडज़िला के इर्द गिर्द ही लाइफ को बनाना शुरू कर दिया। थानो ने जब अर्थ के एनवायरनमेंट को डैमेज ना शुरू किया अपने पॉल्यूशन और न्यूक्लियर टेस्टिंग से, तब मॉन्स्टर्स वापस राइज हुए और उन्होंने विजुलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसके कारण प्लैनेट का इकोसिस्टम वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ गया और इन सब की वजह था गॉडज़िला। इसलिए लाइफ अब गॉडज़िला को सर्व करती है। लेकिन हॉरगो कहता है कि गॉडज़िला पॉसिबल है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गालुगो कहता है कि वो यूनिक सिग्नल डिटेक्ट कर पा रहा है, जो सिग्नल सिर्फ मेका गॉडज़िला प्रोड्यूस कर सकता है, और इतने सालों के बाद में भी मेका गॉडज़िला अभी भी जिंदा है। हियेना और मायना इन्हें केव्स के एग्जिट का रास्ता बताती है और जैसे ही ये लोग एग्जिट हो रहे होते हैं, इन पर दो फ्लाइंग सर्वम का अटैक हो जाता है। लेकिन सडनली नैनोमीटर की स्पाइक्स आकर इन दोनों क्रिएचर्स को मार डालती हैं और इन क्रिएचर्स की लाशें नैनोमेटल्स में बदल जाती हैं और ये लोग एग्जिट की तरफ देखते हैं और ये जो देखते हैं इन्हें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। ये देखते हैं सिटी को, कालुगु और बेला भी इस जगह को पहचान जाते हैं, लेकिन अब ये जगह पूरी तरीके से नैनोमेटल में बदल चुकी है क्योंकि 20,000 साल गुजर चुके हैं और मेका गॉडज़िला के अंदर का नैनोमेटल ग्रो करके पूरी फैसिलिटी पर फैल चुका है और इस जगह का नाम होता है मेका गॉडज़िला सिटी। मायना और नियाना यहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन वो हॉरुओ को वार्न करती है कि ये जगह बहुत खतरनाक और जहर से भरी हुई जगह है। कालागु और बेलु भी मेका गॉडज़िला के सिग्नल को फॉलो करने लगते हैं। मार्टिन यहाँ पर अपनी थ्योरी बताता है कि मेका गॉडज़िला सिटी अपने मेटेलिक टिश्यू से इस नैनोमेटल को खाए जा रही है। एडम पूछता है कि अगर ये सिटी ने इन्हें भी नैनोमेटलाइज कर दिया तो, लेकिन गैलुगु कहता है कि ये सब सिर्फ गॉडज़िला को डिस्ट्रॉय करने के लिए हो रहा है। नैनोमेटल गैस क्रिएट करती है जिससे फॉग बन जाता है, जो इस सिटी को छुपा कर रखता है। और वो पॉइंट आउट करता है कि सिटी का स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा लग रहा है। गॉलोगु उसे बताता है कि मेका गॉडज़िला ने यहाँ पर खुद ही कंस्ट्रक्शन किया है और वो एक्सप्लेन करता है कि मेका गॉडज़िला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में मिलकर हम गॉडज़िला को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना सकते हैं। एडम यहाँ पर देखता है कि कुछ ह्यूमंस के नैनोमेटलाइज्ड लाशें यहाँ पर पड़ी हुई है और वो गुस्से से गैलुगु को कहता है कि तुमने कहा था कि नैनोमेटर इंसानों पर कोई असर नहीं दिखाती, लेकिन गैलुगु उसे ये कहकर समझा देता है कि ये लोग समय पर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, ये पहले से ही मरे हुए थे और नैनोमेटल ने इन मरे हुए लोगों को ऑब्जर्व किया। पहले वो डिटरमाइन करता है कि ये सिग्नल मेका गॉडज़िला के हेड से आ रहा है, जो कि अभी भी जिंदा है। नहीं ही गॉडज़िला ने मेका गॉडज़िला की बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी हो, लेकिन मेका गॉडज़िला का सर गॉडज़िला से कंटिन्यू फाइट करते आ रहा है और उसने अपने नैनोमेटल को इतना ग्रो कर लिया कि एक मेका गॉडज़िला सिटी बना ली। मैटफीस कहता है कि गॉडज़िला से स्ट्रांग कोई दूसरी चीज नहीं है और अब गॉडज़िला अपने पुराने साइज से 6 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो अब मेका गॉडज़िला फिर से बिल्ड करना
और गॉडज़िला को मारने की कोशिश करना बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। किन गैलुगु कहता है कि हम इन सब पावरफुल वेपन्स का यूज करके अपनी वही स्ट्रेटेजी लगाकर इस गॉडज़िला को भी मार सकते हैं। और वो यहाँ पर मोरी को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि वो गॉडज़िला से एक बार फिर से फाइट करेगा और इसके लिए उसे जो भी सजा दी जाए उसे मंजूर होगी। एडम पॉइंट आउट करता है कि गॉडज़िला ओकेशनली जागता है और इस एरिया का पेट्रोलिंग करता है, और बेला भी कहता है कि वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेका गॉडज़िला सिटी को ढूंढना चाहता है। एरो भी एग्री करता है कि अगर हमने गॉडज़िला की सब स्पीसीज को मारने में कामयाब हुए तो हम इस गॉडज़िला को भी मार सकते हैं। गैलुगु बताता है कि मेका गॉडज़िला सिटी को फुल फंक्शंस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये गॉडज़िला के सिटी को ढूंढने से पहले हो जाएगा। गैलुगु यहाँ पर अपने पावर सूट को करते हैं मेका गॉडज़िला सिटी की टेक्नोलॉजी को यूज करके, और हारू अपने एंटी गॉडज़िला स्ट्रेटेजी को डिस्कस करता है। वो बताता है कि मेका गॉडज़िला सिटी फोर फंक्शनिंग कम्प्लीट होने के बाद में ये गॉडज़िला को ट्रैप पॉइंट पर लेकर आएंगे। यहाँ पर ये न्यूली मॉडिफाइड पावर सूट से, इन्हें वेंचर्स कहा जाता है, उससे गॉडज़िला पर अटैक करेंगे और गॉडज़िला को ट्रैप पॉइंट पर लाकर के आसपास धमाके करेंगे, और इन धमाकों से लिक्विड नैनोमेटल गॉडज़िला को उसी जगह पर फंसा देगा। और इसके बाद में वो गॉडज़िला की शील्ड को ब्रेक करेंगे, और शील्ड डिसेबल होने के बाद में ईएमपी हार्पून से गॉडज़िला की बैक पर फायर करेंगे, जिससे गॉडज़िला की बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से ओवरलोड हो जाएगी और गॉडज़िला एक्सप्लोड हो जाएगा। मेटाफिस गैलुगु से कहता है कि वो मेका गॉडज़िला फैसिलिटी की टेक्नोलॉजी का यूज करके उसके एग्जिट डेमेट्रॉन क्रिस्टल को रिपेयर कर दें। गैलुगु उससे पूछता है कि वो कार्बेटेरियम को रिपेयर करना चाहता है। मेटाफिस उससे कहता है कि ये रिचुअल कंपोनेंट उसकी रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हथुआ टेम्पल में यहाँ के एल्डर्स नियाना और मायना को बताते हैं कि मेका गॉडज़िला सिटी के ह्यूमंस बहुत बड़े खतरे में हैं। टुको भी वेंचर के टेस्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली कर लेती है और वो देखती है कि उसके वेंचर में लिमिटलेस एनर्जी है। पोलोबी भी कहता है कि टुको इस वेंचर के लिए बहुत ही एक्सीलेंट पायलट है, और यूको हारो से कहती है कि उसे उस पर पूरी तरीके से भरोसा है और वही उसे होप प्रोवाइड करता है और वो उसके जजमेंट को ट्रस्ट करती है। मार्टिन हेरुओ से मिलता है और उसे कहता है कि मेका गॉडज़िला सिटी आने के बाद में बहुत सारे सोल्जर्स को हेल्थ इशू आ रहे हैं और उन्हें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं। हेरुओ भी खास ठीक नहीं है, वहाँ से चला जाता है। हेरुओ मेटाफिस से मिलता है और उसे बताता है कि वो वरीड है कि पिलो सलूडो अपनी गलती को वापस ना दोहरा दें मेका गॉडज़िला के चक्कर में, और वो मेटाफिस से पूछता है कि क्या उसका होम वर्ल्ड भी मॉन्स्टर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेटाफिस कहता है कि इल्फ नाम लेने से भी डरते हैं जिसने उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन वो हॉरू को उसका नाम बताएगा, और वो उसे ये भी बताता है कि उसे याद रखना होगा कि स्पेस में गॉडज़िला से भी मोर डिस्ट्रक्टिव और खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहे हैं और गॉडज़िला से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मेटाफिस उसके कान में उस मॉन्स्टर का नाम विस्पर करता है और उसे ये भी कहता है कि ये किसी और को ना बताए। इसके बाद में हॉरू यूको से मिलता है जो उससे बोलती है कि वो जेलस है कि हमारे पास में अर्थ की मेमोरीज हैं लेकिन उसके पास में नहीं, और हारू उसे कहता है कि एक बार वो गॉडज़िला को डिफीट कर दे उसके बाद में वो उसे बताएगा कि अर्थ कितनी खूबसूरत जगह है, और यूको हारू को किस करती है। और मियाना और मायना ये दूर से देख रही होती है। यहाँ सिटी के अंदर एडम और दो अदर सोल्जर्स देखते हैं कि ब्लू सलीडो बैटल में ऑब्जर्व हो रहे हैं, इसके कारण वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे हॉरो को टेलीपैथिक वार्निंग रिसीव होती है मियाना और मायना की तरफ से कि गॉडज़िला फिर से जाग चुका है, और वो कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि गॉडज़िला का मूवमेंट फिर से शुरू हो गया है। वो गैलुगु से पूछता है कि सिटी को रेडी होने में कितना टाइम और लगेगा। गैलुगु से रिप्लाई करता है कि 12 घंटे और लगेंगे। हेरू गैलुगु को कहता है कि वो आर्मर प्लांटिंग को पोस्टपोन करके वेपन्स को कंप्लीट करने पे फोकस करे और ये सब वो गॉडज़िला के सिटी ढूंढने से पहले खत्म कर ले। और वो पूछता है कि उनके पास में कितने वेंचर्स हैं
कॉम्बैट के लिए गैलुगु कहता है कि उनके पास में 3 सूट कंप्लीट करने का ही पावर था, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये 3 सूट 300 हूबर 22 के बराबर है और ये 3 वेंचर काफी होंगे गॉडज़िला से लड़ने के लिए। हारुओ टीएमपी हारपून्स के बारे में पूछता है जिनसे उन्होंने मॉलर गॉडज़िला को मारा था, जो भी अब यहाँ पर बनकर तैयार हैं। एडम यहाँ पर आकर हारुओ को बोलते हैं कि नैनो मेटल ने विलो सालुडो को खाना शुरू कर दिया है। हारुओ गैलुगु से मदद के लिए कहता है, लेकिन गैलुगु उसे बताता है कि ये कोई गलती नहीं हुई, विलो सालुडो अपनी मर्जी से नैनो मेटल को अपनी बॉडी देने को तैयार रहते हैं ताकि वो मेगा गॉडज़िला सिटी का पार्ट बन सके। बेलुबी भी कहता है कि ये उनके लिए गर्व की बात होती है और वो ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैथफी सही था कि ब्लू सालुडो सभी को मॉन्स्टर्स बनाना चाहते हैं। बेलुबी कहता है कि ये अगला स्टेप होगा एवोल्यूशन का, सभी नैनो मेटल बनकर इस दुनिया में रहें, जो एक परफेक्ट लॉजिक होगा। यहाँ के सोल्जर्स कहते हैं कि उन्हें नैनोमेटलाइज नहीं होना। इन सभी में आर्ग्यू चल रहा होता है कि यूको ब्लू सालुडो का साइड लेती है और कहती है कि उन्हें अभी फोकस करना होगा। और वो कहता है कि बेलेबी और गैलुगु ये दोनों मेगा गॉडज़िला सिटी को कंट्रोल करेंगे, और गैलुगु कहता है कि वो मेगा गॉडज़िला में इमर्ज हुए ब्लू सालुडो के इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेंगे। अब गॉडज़िला इन्हें लोकेट कर लेता है और वो इन्हें अप्रोच करना चालू करता है, और गॉडज़िला रुक कर अपनी ऑटोमेटिक ब्रीज से अटैक करता है। गैलुगु सिटी में थर्मिनल एनर्जी डिप्लॉय कर देता है जिसके कारण वो इस ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब होते हैं और सिटी का एक छोटा सा सेक्शन ही डिस्ट्रॉय हो पाता है, लेकिन इनका एक ईएमपी हार्पून लॉन्चर मेल्ट हो जाता है। गॉडज़िला आगे बढ़ता है इन्हें अप्रोच करने के लिए और यहाँ से हारुओ के कमांड में 3 वेंचर्स गॉडज़िला की तरफ निकलते हैं। अब ये लोग इन वेंचर्स से गॉडज़िला के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो गॉडज़िला का अटेंशन पाने में कामयाब नहीं होते हैं और वो ऑर्डर देता है कि उन्हें क्लोज रेंज से अटैक करना होगा, और वो वेंचर कैनन से गॉडज़िला के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे गॉडज़िला का अटेंशन इन लोगों के ऊपर हो जाता है और वो सुपर ऑस्कुलैरिटी वेव इन पर फायर करता है, जिससे यूको का वेंचर बाल बाल बच जाता है। और वो और बेलेबी लगातार गॉडज़िला पर अटैक करते रहते हैं क्योंकि उन्हें गॉडज़िला को ट्रैप पॉइंट तक लेकर जाना है, और ये गॉडज़िला को ट्रैप पॉइंट पर ले आते हैं। हारुओ गैलुगु को कहता है कि वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते और उसे ट्रैप को डेटोनेट करने के लिए कहता है, जिससे गॉडज़िला क्रेटर के अंदर गिर जाता है और गॉडज़िला डायरेक्टली कैप्चर पॉइंट के पास आ जाता है। गॉडज़िला यहाँ से अपनी ऑटोमेटिक ब्रीज यूज करके हारुओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मियेना और मायेना अपनी टेलीपैथिक वार्निंग देकर हारुओ को बचा लेती हैं। गॉडज़िला अपनी पूंछ से अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स को क्रैश करने लगता है, लेकिन गॉडज़िला कैप्चर पॉइंट पर आ चुका है, जिससे ये लिक्विड नैनो मेटल वहां पर छोड़ देते हैं, और जब ये लिक्विड हार्ड हो जाता है तो गॉडज़िला वहां पर फंस जाता है और ये लोग गॉडज़िला के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल रूम से ये बताया जाता है कि गॉडज़िला की शील्ड कोलैप्स हो जाएगी अगर ये लोग उसकी डोजर प्लेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये उसकी डोजर प्लेट्स पर अटैक करते हैं और गॉडज़िला की शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। शील्ड हटने के बाद में ये 2 ईएमपी हारपून्स फायर करते हैं जो सीधा गॉडज़िला की बैक पर जाकर लग जाते हैं, और इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी गॉडज़िला की बॉडी के अंदर ओवरलोड हो जाती है और सभी सोचने लगते हैं कि अब फाइनली गॉडज़िला डिफीट होने वाला है, लेकिन किसी कारण से गॉडज़िला एक्सप्लोड नहीं होता और गॉडज़िला की स्किन ब्राइट रेड में चमकने लगती है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। गॉडज़िला इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे उसकी बॉडी एक्सप्लोड नहीं हो रही है, और एक प्रकार से गॉडज़िला इसी हीट के जरिए इन लोगों पर अटैक भी कर रहा है। गॉडज़िला का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। बेलुबी कहता है कि अब वो अभी भी गॉडज़िला को उसकी ऑटोमेटिक ब्रीथ यूज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उसका सराउंडिंग एरिया बहुत हॉट है तो वो उसके करीब नहीं जा सकते। मेगा गॉडज़िला सिटी का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। मार्टिन गैलुगु से कहता है कि उन्हें इस जगह को खाली कर देना चाहिए,
लेकिन गैलगू अपने आप को नैनो मेटल को ऑब्जर्व करने के लिए सौंप देता है। ये देखकर मार्टिन वहां से भाग जाता है और गैलगू कहता है कि ह्यूमन सच में बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन उसे होप है कि हॉरुओ इन सब से डिफरेंट है। और बेलेबी यहाँ पे अपनी आखिरी सुसाइडल स्ट्रेटेजी प्रपोज करता है कि वो लोग वेंचर को गॉडज़िला की डोजर प्लेट के पास में लेकर जाएंगे, जिससे गॉडज़िला ऑटोमेटिक ब्रीथ यूज करने के लिए ट्रिगर्ड होगा और एक्सप्लोड हो जाएगा। बेलेबी कहता है कि वेंचर का सिर्फ एक ही पार्ट है जो बहुत ज्यादा वीक है, और वो पूछता है कि कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा वीक है, और उसे बताया जाता है कि वेंचर्स के पायलट। और वो कहता है कि अगर पायलट्स नैनो मेटल को अपने आप को ऑब्जर्व करने दें तो ये लोग 10 सेकंड तक इस हीट में वाइप कर सकते हैं और वेंचर में से नैनो मेटल पायलट्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। बेलेबी अपने आप को नैनो मेटल से ऑब्जर्व करवा लेता है क्योंकि अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, और वो वेंचर से बाहर निकलने की भी कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती, और नैनो मेटल उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करना चालू कर देता है जिससे उसका वेंचर डिसेबल हो जाता है। हॉरू उसे कैच करता है। पहले भी हॉरू से कहता है कि एक बार वो लोग नैनो मेटल्स का हिस्सा बन जाए, इसके बाद में वो फाइनली गॉडज़िला को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मार्टिन और दूसरे लोग मेका गॉडज़िला सिटी से निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि मेटाफिस पिका केव के बाहर ब्रिज के पास में इंतजार कर रहा है। मेटाफिस हॉरू से कॉन्टेक्ट करता है और उसे कहता है कि नैनो मेटल कभी नहीं रुकने वाली, ये गॉडज़िला को ऑब्जर्व करने के बाद में भी लगातार ग्रो होती रहेगी। नैनो मेटल जब तक ग्रो होती रहेगी जब तक वो पूरे प्लैनेट पर फैल ना जाए और पूरे प्लैनेट को ऑब्जर्व नहीं कर ले। और मेटाफिस हॉरुओ को कंट्रोल रूम को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है ताकि वो नैनो मेटल को फैलने से रोक सकें और यूको को भी शायद बचा सकें। गैलगू मेटाफिस की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो उससे कहता है कि वो बुलो सलूडो को धोखा दे रहा है। हॉरुओ उससे कहा जाता है कि वो नैनो मेटल को ऑब्जर्व करने दे, लेकिन हॉरुओ की बॉडी नैनो मेटल को रिजेक्ट कर देती है जिसके कारण नैनो मेटल उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती। उसके बाद में वो अपना वेंचर कंट्रोल रूम की तरफ फ्लाई करता है और यूको को भी अपने वेंचर में साथ में कैरी करता है, और वो गैलगू को ऑर्डर देता है कि वो नैनो मेटल के फैलाव को रोके, लेकिन गैलगू रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि मॉन्स्टर को मॉन्स्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूमैनिटी इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो उसे डिफीट कर सके। अब हॉरुओ को ये डिसाइड करना था कि उसे गॉडज़िला को मार कर खुद मॉन्स्टर बनना है या फिर गैलगू को मार कर इस प्लैनेट को नैनो मेटल से बचाना है। और फाइनली हॉरुओ वल्चर की गन लोड करता है और कंट्रोल रूम पर ओपन फायर कर देता है और हॉरुओ मेका गॉडज़िला के सर को पूरे कंट्रोल रूम के साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है और गैलगू भी मारा जाता है। मेका गॉडज़िला सिटी का कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसके कारण नैनो मेटल डिसेबल्ड हो जाता है। बेलेबी अपने वेंचर के अंदर ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और उसका वेंचर टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे एक एक्सप्लोजन होता है और पूरी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। नैनो मेटल के ट्रैप में फंसा इनएक्टिव गॉडज़िला भी अब वापस एक्टिवेट हो जाता है और उसकी शील्ड रिफॉर्म हो जाती है और गॉडज़िला के अंदर अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिसे वो अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ से अनलीश्ड करता है और मेका गॉडज़िला सिटी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है। और मेका गॉडज़िला सिटी गॉडज़िला की ऑटोमेटिक ब्रीथ को नहीं झेल पाती और जलकर खाक हो जाती है। गॉडज़िला अपनी विक्टोरियस रोर करता है और वो अपने वेंचर को लैंड करता है और उससे बाहर निकलकर यूको को भी बाहर निकालता है, लेकिन यूको कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रही है और वो उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है और रियलाइज करता है यूको अब कभी नहीं जागेगी। और यूको की आंख से नैनो मेटल का एक आंसू रोल डाउन करता है और वो ये देखकर दर्द से चिल्लाता है और यूको इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पोस्ट क्रेडिट में हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें मेटाफिस हॉरुओ के कान में उसके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने वाले मॉन्स्टर का नाम बताता है
और इस क्रिएचर का नाम होता है गिद्धौरा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ऑल राइट गाइस, ये थी गॉडज़िला सिटी ऑन द एज ऑफ बैटल, जो 2018 में आई एक एनिमेटेड मूवी थी। इस मूवी में हमने देखा कि गॉडज़िला अर्थ एक बार फिर से विक्टोरियस हुआ और हॉरू एक बार फिर से अपने प्लानेट को रिक्लेम नहीं कर पाया। और इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आप गॉडज़िला प्लानेट ईटर देख सकते हैं, जो इस सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।